हिंदी के लिए सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक तो उनके ग्रंथों के परिचय की बात कर रहे थे। हमने गारसादे तासी को पढ़ लिया और शिव सिंह सेंगर को पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रियर्सन की। ग्रियर्सन हिंदी साहित्य इतिहास के वह लेखक हैं जिन्होंने प्रथम बार काल विभाजन का प्रयास किया था, हिंदी साहित्य इतिहास को कालों में विभक्त करने का प्रयास किया था। इनके ग्रंथ की और इनके परिचय की हम बात करते हैं। तो इनका पूरा नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, पूरा नाम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, और इनका जो ग्रंथ था उसका नाम है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इनके ग्रंथ की भाषा अंग्रेजी, गारसादे तासी के ग्रंथ की भाषा थी फ्रेंच, शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ की भाषा थी हिंदी और ग्रियर्सन के ग्रंथ की भाषा है अंग्रेजी। इनका प्रकाशन वर्ष 1888 के अंदर, 1888 के अंदर। इसका जो प्रकाशन था वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया 1888 ईस्वी के अंदर। और अगर स्वतंत्र रूप से इसका प्रकाशन 1889 ईस्वी के अंदर हुआ था, प्रथम बार पत्रिका के रूप में, पत्रिका के विशेषांक के रूप में, और स्वतंत्र रूप से पुस्तक के रूप में, ग्रंथ के रूप में 1889 ईस्वी में। कुल रचनाकारों के 952, कुल रचनाकार इसमें 952 थे जिसके अंदर सभी रचनाकार थे वो हिंदी के थे। इससे पहले शिव सिंह सेंगर ने 1000 रचनाकारों का परिचय दिया था। और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल ग्रियर्सन ने कहा है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने का नाम दिया है, ग्रियर्सन ने। और काल विभाजन का सबसे प्रथम बार प्रयास किया था ग्रियर्सन ने। ये कि किस पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ, तो ये कई बार पूछा जा चुका है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में। और प्रथम बार काल विभाजन करने का प्रयास किया था ग्रियर्सन ने। अगर हम बात करें तो सच्चे अर्थों में ग्रियर्सन हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लेखक माने जाते हैं, सच्चे अर्थों में, क्योंकि इन्होंने परिचय के साथ साथ काल विभाजन का भी प्रयास किया गया। और काल विभाजन में इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास को 11 भागों में विभक्त किया है, वो हम देखते हैं। तो देखिए, ग्रियर्सन द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन किया गया, जो कालखंड थे वो 11 थे हमारे। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य इतिहास को 11 खंडों के अंदर विभाजित किया, जिसमें पहला चारण काल, दूसरा था 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण काल, तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से कालखंडों का नामकरण किया गया। सबसे पहले चारण काल, दूसरा 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण काल, तीसरा जायसी की प्रेम कविता, चौथा ब्रिज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा इधर मुगल दरबार, छठा तुलसीदास, सातवां प्रेम काव्य, आठवां तुलसीदास के परवर्ती रचनाकार, बाद के रचनाकार, नौवां 18वीं शताब्दी, और दसवां कंपनी शासन में हिंदुस्तान की, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान की क्या रहा साहित्य का विकास, और ग्यारहवां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अब इसके बाद में हम बात करते हैं मिश्र बंधुओं की, मिश्र बंधुओं ने जो किया था, हमारे मिश्र बंधु विनोद, उसकी बात करते हैं। देखिए, तो ये है हमारे मिश्र बंधु। अब मिश्र बंधुओं ने जो ग्रंथ का नाम रखा वो रखा था मिश्र बंधु विनोद, और ग्रंथ की भाषा हिंदी। और जो मिश्र बंधुओं के नाम थे, जो मैंने पिछले प्रथम या द्वितीय कक्षा में कहा कि इनके नाम को आगे चर्चा करेंगे, तो मिश्र बंधुओं के जो नाम थे, तीन भाई थे, कुल तीन थे, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। सुख श्याम गणेश, सुख श्याम
गणेश, यूं याद रख सकते हैं आप। सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, लगभग इन्होंने 5000 कवियों का उल्लेख किया है। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात हो इनके नामों की है, यही नाम महत्वपूर्ण, ये याद रखें। देखो 5000 कवियों का उल्लेख किया है इन्होंने, और आज कहा जाता है आजकल की वास्तविक रूप से 459 ही कवि थे इसके अंदर। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो प्रथम जो 3 खंड थे उनका प्रकाशन 1913 ईस्वी के अंदर, और चतुर्थ खंड का प्रकाशन कहीं जगह 1914 ईस्वी लिखा मिलता है और कहीं जगह 1934 ईस्वी मिलता है। तो ये दोनों ध्यान रखें, प्रथम 3 खंडों का तो 1913 के अंदर और चतुर्थ का 1914 या 1934, इन दोनों में से आप ध्यान रखें, दोनों को भी आप ध्यान रखें। शुक्रिया दोस्तों, आगे की कक्षा में हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख लेखकों उनके ग्रंथों के परिचय के कक्षाओं में हमारे सिर्फ 3 मुख्य रूप से बचे, रामचंद्र शुक्ल जी, राम कुमार वर्मा और नगेंद्र साहब, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी कक्षाएं पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देते रहें ताकि हम अपने इस कक्षाओं में और सुधार कर सकें। धन्यवाद।